लोकसभा में सरकार ने अभी हाल ही में एक बिल पास किया है जो कि आरक्षण से संबंधित है, जो कि दिया जाना है केंद्रीय उच्च शैक्षणिक संस्थाएं जो हैं उन सभी में जिस प्रकार से आरक्षण को लागू करना है उससे संबंधित एक बिल पास किया है। इसी के संबंध में हमारा आज का एडिटोरियल है। टीचर्स एंड कोटास, यानी कि जितनी भी हमारी ये केंद्र सरकार की उच्च शैक्षणिक संस्थाएं हैं जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें टीचर्स को किस प्रकार से कोटा दिया जाना है, उनका क्या हिस्सा होना चाहिए, तो उससे संबंधित हमारा एडिटोरियल है, टीचर्स एंड कोटास। तो देखते हैं क्या कहता है हमारा एडिटोरियल। बिल ऑन रिजर्वेशन इन सेंट्रल एकेडमिक कैडर प्रोवाइड्स रिलीफ टू डिसएडवांटेज सेक्शंस। बिल ऑन रिजर्वेशन, ये जो बिल पास किया गया है रिजर्वेशन को लेकर, इन सेंट्रल एकेडमिक कैडर, सेंट्रल एकेडमिक कैडर मतलब जितने भी हमारी केंद्रीय शैक्षणिक संवर्ग जो भी है ना उनको बोलेंगे केंद्रीय शैक्षणिक संवर्ग, सेंट्रल एकेडमिक कैडर। तो इन सेंट्रल एकेडमिक के जितनी भी ऊंची ऊंची शैक्षणिक संस्थाएं हैं इनमें जो रिजर्वेशन दिया जाना है उससे संबंधित जो बिल है, प्रोवाइड्स रिलीफ टू डिसएडवांटेज सेक्शंस। डिसएडवांटेज सेक्शंस, डिसएडवांटेज सेक्शन मतलब वंचित तबका, वंचित वर्ग, सेक्शन मतलब वर्ग, और डिसएडवांटेज मतलब जिनको पूरा एडवांटेज या जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो वंचित तबका। प्रोवाइड्स रिलीफ, राहत देता है। बिल ऑन रिजर्वेशन इन सेंट्रल एकेडमिक कैडर, तो ये जो बिल पास किया गया है रिजर्वेशन को लेकर केंद्रीय शैक्षणिक संवर्गों में, ये राहत प्रदान करता है वंचित तबके को। आगे देखते हैं। लेजिस्लेशन टू ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ कोर्ट वर्डिक्ट्स इज नॉट ऑलवेज अ गुड आइडिया। लेजिस्लेशन टू ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ कोर्ट वर्डिक्ट्स इज नॉट ऑलवेज अ गुड आइडिया। कानून का निर्माण करना, किस पर काबू पाने के लिए, लेजिस्लेशन मतलब विधान बनाना या कानून बनाना। टू ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है किसी पर काबू पाना। द इफेक्ट्स ऑफ कोर्ट वर्डिक्ट्स इज नॉट ऑलवेज अ गुड आइडिया। कोर्ट वर्डिक्ट्स, वर्डिक्ट मतलब फैसला। इस ये लाइन कहना चाहती है हमारी कि यदि आप कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया है उसके प्रभावों को कम करने के लिए अगर आप कोई कानून का निर्माण करते हो तो ये अक्सर एक अच्छा आइडिया नहीं होता है, एक अक्सर एक अच्छा विचार नहीं होता है। लेजिस्लेशन टू ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ कोर्ट वर्डिक्ट्स इज नॉट ऑलवेज अ गुड आइडिया। आगे देखते हैं क्यों ये जो लाइन कही गई है ना हमारी लेजिस्लेशन के लेके गुड आइडिया तक, क्यों इस लाइन से हमारे एडिटोरियल की शुरुआत हुई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि सरकार ने ये जो बिल पास किया है या ये जो कानून बनाया है, ये कानून किसके खिलाफ जाता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार ने इस कानून को बनाया है। तो इसलिए इस लाइन में पहले ही हमें कहा गया है कि कानून का निर्माण करना कभी कभी कोर्ट के फैसलों को न मानते हुए और कानून का निर्माण करना ठीक नहीं होता है। लेजिस्लेशन टू ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ कोर्ट वर्डिक्ट्स इज नॉट ऑलवेज अ गुड आइडिया। हमेशा ये जो है अच्छा नहीं होता है कि आप हमेशा जो है कोर्ट ने कुछ फैसला दिया आप उसके खिलाफ जो है कोई कानून का निर्माण कर दो। आगे देखते हैं। हाउएवर, फिर भी, समटाइम्स एन एक्सेप्शन ऑट टू बी मेड इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। एडिटोरियल कहता है कि फिर भी कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी, एन एक्सेप्शन मतलब अपवाद, ऑट टू बी मेड, ऑट टू का मतलब है चाहिए, ऑट टू का मतलब भी चाहिए, शुड का मतलब भी चाहिए और मस्ट का मतलब भी चाहिए। मस्ट हम लगाते हैं जब बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो जिसके बिना चल ना सके तब हम लगाते हैं मस्ट। शुड हम लगाते हैं साधारण सलाह देने के लिए और ऑट टू लगाते हैं जब कोई नैतिक जिम्मेदारी होती है ना हमारी तब जाके हम ऑट टू लगाते हैं। तो यहाँ पे एक नैतिक जिम्मेदारी बन गई थी इस चक्कर में हमने ऑट टू का प्रयोग किया है। तो हाउ एवर, फिर भी, समटाइम्स एन एक्सेप्शन ऑट टू बी मेड इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, लार्जर मतलब व्यापक, एक विशाल पैमाने पे जो किया जाता है। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इसका मतलब है एक व्यापक जनहित को देखते हुए। तो एडिटोरियल बताता है कि ये ठीक नहीं होता है कि आप जो है लेजिस्लेशन का निर्माण कर दो कोर्ट के फैसले को बदल के, हमेशा इस बात को अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभी कुछ अपवाद होते हैं और उन अपवादों को किया जाना चाहिए एक व्यापक जनहित को देखते हुए। हाउएवर समटाइम्स एन एक्सेप्शन ऑट टू बी मेड, कभी कभी एक्सेप्शन मतलब कुछ अपवाद को जो है बनाया जाना चाहिए, ऑट टू बी मेड बनाया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, व्यापक जनहित को देखते हुए कभी कभी ऐसा करना ठीक होता है कि आप जो है कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई कानून बनाते हो। वन सच लॉ, इस प्रकार का एक लॉ है, वन सच लॉ इज द सेंटर्स बिल। यहाँ सेंटर्स,
सेंटर का, सेंटर का मतलब केंद्र सरकार ने जो बिल पारित किया है ना उसके लिए आया है सेंटर्स। वन सच ला, इसी तरह का एक कानून है, इज द सेंटर्स बिल, जो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में जो बिल पारित किया है, टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए दैट कि रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने बिल बनाया है, ये बिल जो है इसी तरह के एक बिलों में से एक है जो कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाया गया है और यह कोर्ट के फैसले के खिलाफ बनाया गया है। ये किस संबंध में है ये बिल? यह बिल है रिजर्वेशन को लेके, फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस और अन्य पिछड़े वर्ग जो हैं, इन अपॉइंटमेंट्स, नियुक्ति को लेकर टू सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज प्रेजर्व्ड। अपॉइंटमेंट्स को लेकर, कहाँ अपॉइंटमेंट्स को लेकर? सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं हमारे, यानी कि जितनी भी हमारी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें जो भी रिजर्वेशन दिया जाना है इन सभी जातियों को, शेड्यूल कास्ट है, ट्राइब है और बैकवर्ड क्लासेस हैं, इन सभी को जो भी रिजर्वेशन दिया जाना है वह बरकरार रहे, इज प्रेजर्व्ड, उनके रिजर्वेशन को जो है बरकरार रखा गया है। तो ये प्रावधान इस बिल में किया गया है। आगे देखते हैं, द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर बिल, ये इस बिल का नाम है पूरा, 2019 पास्ड बाय द लोकसभा, जो कि लोकसभा के द्वारा पास किया गया है। रिप्लेसेस, ये किसे रिप्लेस करता है? एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड इन मार्च। देखो कानून तो सरकार ने अभी बनाया, बिल तो अभी पास किया है, लेकिन सरकार ने इसी चीज़ को लेके ऑर्डिनेंस जो है पास कर दिया था मार्च में। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है? एक तरह का कानून ही होता है जो कि अभी संसद की प्रक्रिया से बिना गुजरे जब पास कर दिया जाता है ना, तब उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। जैसे सरकार को लगा कि इस कानून को तो होना ही चाहिए, ये कानून तो लाया ही जाना चाहिए, लेकिन सरकार के पास इतना वक्त नहीं है कि मीटिंग बुलवाए, लोकसभा में बैठे, उस पर विचार करे, लेकिन सरकार को लगता है ये कानून तो होना ही चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस कानून को तुरंत पारित कर दिया जाता है और उसको बोला जाता है ऑर्डिनेंस। अब सरकार के पास ये ऑप्शन होता है कि 6 महीने के भीतर भीतर वह जो है बैठक बुलाए और इस ऑर्डिनेंस को बिल के रूप में पारित करें। तो सरकार ने ये जो बिल तो अभी पारित हुआ, लेकिन ऑर्डिनेंस मतलब एक ऑर्डिनेंस को आप इस तरह से बोल सकते हो, एक अस्थाई कानून, एक अस्थाई कानून होता है वो। तो ये बिल जो है इसे एक अस्थाई कानून के रूप में सरकार ने मार्च में ही पास कर दिया था। इसकी प्रोमलगेटेड, प्रोमलगेटेड का मतलब होता है उद्घोषणा करना, घोषणा करना। तो सरकार ने मार्च में ही इस बिल को जो है अस्थाई रूप से पारित कर दिया था, इसकी घोषणा कर दी थी और अब जो है इस बिल को पूरी तरह से पास कर दिया है। इट्स मेन ऑब्जेक्ट, इसका मुख्य जो है ऑब्जेक्ट क्या है, क्या इसकी दिशा होगी, इसका क्या मुख्य काम होगा? इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू रिस्टोर, टू रिस्टोर, रिस्टोर का मतलब है पुनःस्थापित करना। इस बिल का जो मुख्य काम है वो क्या है? पुनःस्थापित करना। किस चीज़ को पुनःस्थापित करना? द सिस्टम ऑफ ट्रीटिंग एन इंस्टीट्यूशन और अ यूनिवर्सिटी एज अ सिंगल यूनिट टू अप्लाई द रिजर्वेशन रोस्टर। रिजर्वेशन रोस्टर, रिजर्वेशन रोस्टर का मतलब होता है आरक्षण के लिए जो आप तालिका बनाते हो ना, उसको बोलते हैं रिजर्वेशन रोस्टर। रोस्टर का मतलब कुछ नहीं, एक रजिस्टर होता है, जैसे आपसे कहा जाए कि आपके ऑफिस में कितने लोगों को हिंदी नहीं आती है, इसका एक रोस्टर तैयार करके हमें दो, या आपका जो ऑफिस है इसमें सबकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, क्या क्या है, जितने भी स्टाफ आपके ऑफिस में कार्य करते हैं उनकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या है, उसका एक रजिस्टर तैयार करके हमें दो, तो ये एक तरीके से रोस्टर हो जाएगा। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट जो है, इसका मुख्य लक्ष्य जो है क्या है, इसका मुख्य लक्ष्य कि पुनः स्थापित किया जाए सिस्टम ऑफ ट्रीटिंग एन इंस्टीट्यूशन और ए यूनिवर्सिटी एज अ सिंगल यूनिट टू अप्लाई द रिजर्वेशन रोस्टर। रिजर्वेशन देने का मापदंड क्या होना चाहिए इस बिल के तहत? इस बिल के तहत क्या होना चाहिए कि आप जो है कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी संस्था है या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसे आप ट्रीट करो। किस तरह से ट्रीट करो? एक सिंगल यूनिट मान के ट्रीट करो उसे और उसके आधार से तालिका बनाओ। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को आपने एक इकाई माना, अब इस इकाई में कितने शिक्षकों की ज़रूरत है उसकी एक तालिका बनाओ और उस तालिका के अनुसार डिसाइड करो कि इसमें इतने OBC होंगे, इतने SC होंगे, इतने ST होंगे और इतने जनरल होंगे। इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू रिस्टोर, पुनः स्थापित करना द सिस्टम ऑफ ट्रीटिंग एन इंस्टीट्यूशन, ट्रीट करना किसी इंस्टीट्यूशन को या यूनिवर्सिटी को एज अ सिंगल यूनिट टू अप्लाई द रिजर्वेशन रोस्टर एंड थस हेल्प फिल 7,000 टीचिंग वैकेंसीज। और इस प्रकार से जो वर्तमान में लगभग 7,000 टीचिंग जो वैकेंसी चल रही हैं, जो पद खाली चल रहे हैं, उनको जो है भरा जाए, इस प्रकार से इनको जो है भरा जाए। इट सीक्स, यह क्या देखता है? सीक का मतलब होता है देखना।
It seeks to get around a 2017 judgment of the Allahabad High Court strike down. Striking down जो है ना, ये हमारी एक phrasal verb है. Strike down का मतलब होता है किसी चीज़ को निरस्त कर देना, किसी चीज़ को रद्द कर देना. It seeks, ये क्या देखता है, टू गेट अराउंड. देखो एक हमारी फ्रेज होती है गेट अराउंड समथिंग, ये गेट अराउंड आया है ना यहाँ पे, गेट अराउंड समथिंग. गेट अराउंड समथिंग का मतलब होता है, देखो गेट का मतलब क्या होता है, पाना. अराउंड का मतलब होता है आपके आसपास जो है, बिल्कुल उसको बोलते हैं. तो आपके आसपास जो है ना, उसके पास पहुँचना, उसको पा लेना. गेट अराउंड समथिंग का मतलब होता है वह काम कर लेना जिसे आप एक लंबे समय से करना चाहते थे. गेट अराउंड समथिंग, तब हम बोलते हैं गेट अराउंड समथिंग, मतलब किसी चीज़ के पास पहुंच जाना, किसी चीज़ को अपने पास पा लेना. तो अब यहाँ देखो गेट अराउंड का मतलब किस तरह से, इस पूरी लाइन को समझने का प्रयास करते हैं. तो ये जो बिल पारित किया गया, इसके तहत क्या देखता है ये बिल, इट सीक्स टू गेट अराउंड अ 2000 जजमेंट. तो ये एक 2017 में एक जजमेंट दिया गया था, एक निर्णय दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, उसके आसपास जाने की कोशिश करता है. इट सीक्स टू गेट अराउंड अ 2017 जजमेंट ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट स्ट्राइकिंग डाउन. उस जजमेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया था, स्ट्राइक डाउन कर दिया था, रद्द कर दिया था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन. हमारी जो यूजीसी है, यूजीसी ग्रांट जो कमीशन है, इसके जो रेगुलेशंस हैं, जो इसने कुछ नियम बना रखे हैं. क्या बना रखा था उसने नियम, उसने एक नियम ये बना रखा था दैट ट्रीटेड, यूजीसी का एक नियम था जो कि ट्रीट करता था. क्या ट्रीट करता था यूजीसी का नियम, द इंस्टीट्यूशन एज द यूनिट फॉर डिटरमाइनिंग द रोस्टर. यूजीसी ने भी यही कह रखा था कि रिजर्वेशन जो है किस आधार पे दिया जाएगा. कोई भी इंस्टीट्यूशन है या कोई भी यूनिवर्सिटी जो है, उसे एक सिंगल यूनिट मान लिया जाएगा और उसके हिसाब से निश्चित किया जाएगा, कि उसके हिसाब से एक तालिका बनाई जाएगी कि जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है या राजस्थान यूनिवर्सिटी है, इसमें कितने पद खाली हैं. जैसे कि माना 100 पद खाली हैं, अब इन 100 पदों के आधार से निश्चित करो कि कितने पद ओबीसी के होने चाहिए, कितने पद एससी के, कितने पद एसटी के. तो इस हिसाब से इन्होंने एक अपना नियंत्रण कर रखा था, यूजीसी ने एक नियम बना रखा था. तो इस नियंत्रण को जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया एंड डायरेक्टिंग. और इलाहाबाद ने क्या कहा, क्या डायरेक्ट किया यूजीसी को, क्या निर्देश दिया, ये कहा एंड डायरेक्टिंग दैट ईच डिपार्टमेंट बी द रिलेवेंट यूनिट. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि यूजीसी को कहा उन्होंने कि आपने जो अभी नियम बना रखा है ना कि आप किसी संस्था को एक इकाई मान लेते हो और उसके आधार पर रिजर्वेशन देते हो, नहीं ऐसा नहीं करो. आप क्या करो, आप इसके आधार पर डिपार्टमेंट के आधार पर आप रिजर्वेशन दो. जैसे कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी है, अब इस राजस्थान यूनिवर्सिटी का जैसे इंग्लिश डिपार्टमेंट है, अब इस इंग्लिश डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट हैं, अब इस इंग्लिश डिपार्टमेंट में जितने पद हैं उन पदों के आधार पर कितने एससी के होंगे, कितने एसटी के होंगे, कितने ओबीसी के होंगे, इस प्रकार से आप रिजर्वेशन दो. ये कहा किसने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने. इसके खिलाफ क्या हुआ, हमारी जो केंद्र सरकार है, इसने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील की कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, डिपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन देना ठीक नहीं है, इंस्टीट्यूशन वाइज ही रहने दो इस रिजर्वेशन को. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को भी, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और जो सरकार की याचिका थी उसे रद्द कर दिया. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिपार्टमेंट वाइज ही रहेगा रिजर्वेशन. तो इसके बाद काफ़ी जो स्टूडेंट थे, यानी कि जो शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे थे, वे जो इस फैसले से नाराज हुए, तो केंद्र सरकार को आनन फान में ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा कि नहीं, रिजर्वेशन जो है इंस्टीट्यूशन वाइज ही रहेगा. और अब जो है, अब जाकर जो है केंद्र सरकार ने ये बिल पारित कर दिया है. अब देखते हैं आगे क्या होता है. तो ये था हमारा पूरा, ये जो हमारा पूरा सेंटेंस चल रहा था ना यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से देखो पूरा एक बार पूरा फिर पढ़ता हूँ मैं सेंटेंस. इट सीक्स टू गेट अराउंड अ 2017 जजमेंट ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट स्ट्राइकिंग डाउन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशंस दैट ट्रीटेड द इंस्टीट्यूशन एज द यूनिट फॉर डिटरमाइनिंग द रोस्टर. इट सीक्स, ये जो बिल हमने अभी हाल ही में पारित किया है, ये करीब करीब जाने की कोशिश करता है कहाँ पर, 2017 जजमेंट ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय दिया गया था जिसमें कि रद्द कर दिया गया था, स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रेगुलेशंस को, यूजीसी ने जो नियम बना रखे थे उन रेगुलेशंस को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था. उन नियमों के तहत क्या किया जाता था, इंस्टीट्यूशन को एक इकाई माना जाता था फॉर डिटरमाइनिंग द रोस्टर, और उसी के तहत जो है रोस्टर का निर्माण किया जाता था. एंड डायरेक्टिंग, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूजीसी को डायरेक्ट किया, ये निर्देश दिया दैट ईच डिपार्टमेंट बी द रिलेवेंट मतलब होता है संबंधित होना, कि रिजर्वेशन देने का आधार जो है इंस्टीट्यूशन ना होके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होना चाहिए.
इन शॉर्ट, अब देखो इतनी लंबी चौड़ी जो बात है ना, इसको शॉर्ट में एडिटोरियल भी समझाता है कहने का क्या मतलब है. इन शॉर्ट, रिजर्वेशन शुड बी डिपार्टमेंट वाइज एंड नॉट इंस्टीट्यूशन वाइज. द कोर्ट रूल, कोर्ट रूल्ड, कोर्ट रूल्ड मतलब कोर्ट ने ऐसा शासन स्थापित किया, ये कोर्ट का कहना था. रूल का मतलब क्या होता है, शासन होता है ना, तो कोर्ट रूल्ड का मतलब है कोर्ट ने ऐसा कहा कि ये बात मानो हमारी, ये है हमारा हमारी आज्ञा ये है. तो कोर्ट का ऐसा कहना था कि रिजर्वेशन जो है डिपार्टमेंट वाइज होना चाहिए, न कि यूनिवर्सिटी वाइज या इंस्टीट्यूशन वाइज. आगे देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द सेंट्रल्स अपील अगेंस्ट द ऑर्डर. वही जो अभी बात मैंने आपको बताई ना कि केंद्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया. द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड, रद्द कर दिया इस बात को, द सेंटर्स अपील, सेंटर ने की याचिका को, अगेंस्ट द ऑर्डर जो कि इस ऑर्डर के खिलाफ की गई थी. अब आगे देखते हैं क्या एडिटोरियल हमसे बोलता है. बट द नैरोअर बेसिस फॉर अप्लाइंग कोटास वुड मीन फ्यूअर एस्पिरेंट्स फ्रॉम ओबीसी एंड एससी एसटी सेक्शंस वुड बी रिक्रूटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर. अब देखो एडिटोरियल का ओपिनियन क्या है, एडिटोरियल का ओपिनियन ये है, नैरोअर बेसिस, नैरोअर का मतलब होता है सकरा कर देना या और छोटा कर देना. एडिटोरियल बोलता है कि यदि आप रिजर्वेशन के आधार को छोटा करते चले जाओगे ना, जैसे इंस्टीट्यूशन एक बड़ी इकाई होती है, अब आपने क्या किया डिपार्टमेंट कर दिया, डिपार्टमेंट एक और भी छोटी इकाई हो गई, और भी नैरो हो गया, छोटा आधार बन गया रिजर्वेशन का. अब मानो कोई डिपार्टमेंट है, जैसे इंग्लिश का डिपार्टमेंट है, अब इंग्लिश के डिपार्टमेंट में मात्र दो पदों की भर्ती होनी है, सिर्फ दो वैकेंसी अवेलेबल है. जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का इंग्लिश डिपार्टमेंट है, उसमें इंग्लिश डिपार्टमेंट में सिर्फ दो पदों की भर्ती होनी है, सिर्फ दो ही पद खाली. अब दो पद खाली हैं तो आप कैसे रिजर्वेशन दोगे, कहाँ से एससी को लाओगे, कहाँ से एसटी को लाओगे, कहाँ से ओबीसी को घुसेड़ोगे उसमें, तो एक थोड़ी सी समस्या क्रिएट हो गई ना. तो ये कहना एडिटोरियल का कि बट द नैरोअर बेसिस फॉर अप्लाइंग कोटा, तो ये जो आप कोटा निर्धारित कर रहे हो उसके लिए अगर आप आधार जो है छोटा कर देते हो, इसका मतलब क्या होगा, वुड मीन, इसका क्या मतलब होगा, वुड मीन फ्यूअर एस्पिरेंट्स, जो प्रतियोगी जो हैं वो बहुत कम रह जाएंगे, न के बराबर रह जाएंगे, ओबीसी एससी और एसटी समुदाय से जो प्रतिभागी हैं वो बहुत कम रह जाएंगे. वुड बी रिक्रूटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उनकी जो नियुक्ति है वो बहुत कम होगी. वुड बी रिक्रूटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर, इनकी जो नियुक्ति जो है वो बहुत कम होगी. आगे देखते हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के खातिर, इन द इंटरेस्ट ऑफ मतलब किसी के हितों के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ किसी के हितों के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोशल जस्टिस, तो सामाजिक न्याय के हितों को देखते हुए, इट हैड टू रेस्टोर, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, इट हैड टू रेस्टोर, इसे जो है पुनः उसी चीज़ को जो है प्रतिस्थापित करना पड़ा, द सिस्टम ऑफ हैविंग अ वाइडर पूल ऑफ पोस्ट्स, कि जो है बड़े पैमाने पर ही रिजर्वेशन को रखा जाए. पूल का मतलब क्या होता है, तालाब, तालाब का मतलब एक बड़ा क्षेत्र रखा जाए, वाइडर पूल ऑफ पोस्ट, इन विच द कोटा ऑफ 27% ऑफ ओबीसी, 50% फॉर एससी एंड 7.5% एसटी कुड बी इफेक्टिवली अप्लाइड. तो मैंने बताया ना आपको, अगर आप डिपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन देते हो तो क्या होता है, डिपार्टमेंट में दो या चार पदों की भर्ती निकलती है. अब उन दो चार पदों की भर्ती में आप कैसे अप्लाई करोगे ने? उसी में आपको 27% ओबीसी भी देना है, 15% एससी भी देना है, अब 7.5% एसटी भी देना है. ये तभी हो सकता है जब एक बड़े स्तर पर रिजर्वेशन दिया जाए. अब जैसे यूनिवर्सिटी है पूरी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसमें 100 पद है, 100 पदों में से आपको रिजर्वेशन देना है, 27% ओबीसी को देना है, तो आराम से 100 पदों में से 27 पद जो है आप ओबीसी के लिए निर्धारित कर सकते हो. लेकिन 5 पदों में से कैसे निर्धारित करोगे, तो ये दिक्कत थी. तो सरकार का ये जो बिल है, इस बिल के तहत जो है वापस क्या किया गया है, इंस्टीट्यूशन को ही आधार माना गया है रिजर्वेशन का, ताकि 27% ओबीसी को रिजर्वेशन देना और 15% और 7.5% एसटी को देना जो है कुड बी इफेक्टिवली अप्लाइड, कुड बी इफेक्टिवली अप्लाइड मतलब इसको जो है प्रभावपूर्ण धरी, इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, प्रभावपूर्ण ढंग से. तो इस तरह से ये रिजर्वेशन जो है प्रभावपूर्ण ढंग से जो है लागू किया जा सकेगा, अप्लाई किया जा सकेगा. फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, इस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें, द बिल प्रोवाइड्स, बिल क्या उपलब्ध कराता है, वेलकम रिलीफ, एक स्वागत योग्य राहत उपलब्ध कराता है फॉर एस्पिरेंट्स, उन एस्पिरेंट्सों के लिए, उन प्रतिभागियों के लिए, फ्रॉम द डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जो कि वंचित तबके से आते हैं, उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन प्रतिभागियों के लिए जो है ये बिल जो है एक राहत की तरह आया है, एक राहत की तरह उनको महसूस हुआ है. जो भी समाज के वंचित तबके से आते हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी इस बिल से, उनके प्रतिनिधित्व में कोई कमी नहीं आएगी. अब आगे देखते हैं क्या,
It is not that the court was manifestly wrong in applying the roster based on a smaller unit. अब एक चीज़ देखते हैं, चलो ठीक है, हमें तो लग रहा है कि ठीक है भाई सरकार ने अच्छा किया. अब आप ये सोचिए कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट मूर्ख था जो उसने ये फैसला दिया और इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा. तो जब कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा है तो कोर्ट ने भी कुछ विचार किया होगा, कोर्ट ने भी कुछ सोच समझ के ही दिया होगा अपना फैसला. तो यही हमारा एडिटोरियल बोलता है कि कोर्ट का जो कहना था वो भी एक अर्थों में ठीक था कहना. तो अब देखते हैं, इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है दैट द कोर्ट वॉज मैनिफेस्टली रॉन्ग, कि कोर्ट जो है पूरी तरीके से गलत था. मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब होता है फैलाव. जब आप किसी चीज़ को फैलाते हो ना तो उसको बोलते हैं मैनिफेस्ट. तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि मैनिफेस्टली रॉन्ग, कि व्यापक रूप से जो है कोर्ट रॉन्ग था इन अप्लाइंग द रोस्टर बेस्ड ऑन अ स्मॉलर यूनिट. कि कोर्ट ने क्या कहा था, कोर्ट का कहना था स्मॉलर यूनिट के आधार पे आप जो है रिजर्वेशन दो, डिपार्टमेंट वाइज आप जो है रिजर्वेशन दो, ये आधार बनाया था कोर्ट ने. तो कोर्ट भी इस चीज़ में गलत नहीं था कि वो जो इस फैसले को जो है कहते, कि कोर्ट का कहना था कि इस तरह से आप अप्लाई करो रिजर्वेशन को. दैट इज कि अ डिपार्टमेंट इन अ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, कि आप डिपार्टमेंट वाइज जो है आरक्षण दो. द हाई कोर्ट नोटेड, हाई कोर्ट ने ये देखा, नोटेड का मतलब होता है नोट करना किसी चीज़ को, देखना. द हाई कोर्ट नोटेड, हाई कोर्ट ने क्या देखा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये नोट किया दैट हैविंग द होल इंस्टीट्यूशन एज अ यूनिट, कि यदि हम पूरी संस्था को एक इकाई मान के चलें, हैविंग द होल इंस्टीट्यूशन एज अ यूनिट, कि अगर पूरी संस्था है या पूरी यूनिवर्सिटी है इसको अगर हम एक इकाई मान के चलें, वुड रिजल्ट इन सम डिपार्टमेंट्स. अब इसका क्या परिणाम होगा, वुड रिजल्ट, इसका क्या परिणाम होगा, इन सम डिपार्टमेंट्स, कुछ डिपार्टमेंट्स में क्या होगा, इसके तहत हैविंग ओनली रिजर्वेशन बेनिफिशियरीज एंड अदर्स ओनली दोज फ्रॉम द ओपन कैटेगरीज. द हाई कोर्ट नोटेड दैट हैविंग द होल इंस्टीट्यूशन एज अ यूनिट, कि अगर आप पूरी संस्था को या पूरी यूनिवर्सिटी को एक इकाई मान लेते हैं तो इसके तहत क्या होता है कि कुछ कुछ डिपार्टमेंट में तो सारे रिजर्वेशन कैटेगरी के आदमी आ गए और कुछ कुछ डिपार्टमेंट में पूरे जनरल कैटेगरी के आदमी आ जाते थे. ये इसका जो है सबसे दुष्परिणाम देखने को मिल रहा था हमें. भाई जैसे पूरी यूनिवर्सिटी जो है उसमें आप अगर रिजर्वेशन लागू करते हो तो सकता है किसी डिपार्टमेंट में रिजर्वेशन कैटेगरी के ही पूरे कैंडिडेट्स चले जाएं और किसी डिपार्टमेंट में जो रिजर्वेशन कैटेगरी का एक भी आदमी ना हो. तो ये जो है कोर्ट ने देखा था और कोर्ट ने इस ये जो कोर्ट ने जब ये देखा ये चीज़, तो कोर्ट को लगा कि ये ठीक नहीं है मतलब. तो इसको देखते हुए उसने कहा कि डिपार्टमेंट वाइज होना चाहिए. द हाई कोर्ट नोटेड दैट, हाई कोर्ट ने ये नोट किया दैट हैविंग द होल इंस्टीट्यूशन, कि एक संपूर्ण संस्था को अगर हम आधार बनाते हैं, एक इकाई मान लेते हैं और इस आधार पर अगर हम रिजर्वेशन देते हैं, वुड रिजल्ट, इसका परिणाम होगा इन सम डिपार्टमेंट्स हैविंग ओनली रिजर्वेशन बेनिफिशियरीज, कि कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं उनमें तो सिर्फ जो है रिजर्वेशन बेनिफिशियरीज चले जाएंगे. बेनिफिशियरीज मतलब जिनको उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है. तो कुछ जगह तो सिर्फ रिजर्वेशन वाले आ गए, कुछ डिपार्टमेंट में पूरे भर गए एंड अदर्स, और कुछ डिपार्टमेंट जो है उनमें ओनली दोज फ्रॉम द ओपन कैटेगरीज, उनमें जो है सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले चले गए. बट द काउंटर पॉइंट इज इक्वली वैलिड. अब लेकिन इसका उल्टी बात भी सच है. हैविंग द डिपार्टमेंट एज द यूनिट, कि अगर आप डिपार्टमेंट को एक इकाई मानते हो, वुड मीन स्मॉलर फैकल्टीज. इसका मतलब क्या होगा, अगर आपने डिपार्टमेंट को आधार बना दिया तो डिपार्टमेंट को आधार बनाने का मतलब क्या है, वुड मीन स्मॉलर फैकल्टीज वुड नॉट हैव एनी रिजर्वेशन. अगर आपने डिपार्टमेंट को आधार बना दिया तो जिस डिपार्टमेंट में कम पद हैं उन पदों पे तो रिजर्वेशन का कोई आदमी होगा ही नहीं. ये बात भी तो सच है ना. हैविंग द डिपार्टमेंट एज द यूनिट, कि अगर आपने डिपार्टमेंट को अगर आपने आधार बना दिया, वुड मीन स्मॉलर फैकल्टीज, तो इसका मतलब है कि जिस डिपार्टमेंट में कम फैकल्टीज़ हैं वहाँ पे तो रिजर्वेशन लागू ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन लागू होने के लिए संख्या भी तो होनी चाहिए ना. जैसे आपने आगे देखते हैं, ये एडिटोरियल खुद समय समझाएगा, इन द रोस्टर सिस्टम इट नीड्स 14 कोर्ट्स टू अकोमोडेट SC एंड ST कैंडिडेट्स एज देयर टर्न वुड कम ओनली एट द 7th एंड 14th वैकेंसीज. अब देखो, अगर आप चाहते हो कि किसी डिपार्टमेंट में SC कैंडिडेट भी हो और ST कैंडिडेट्स भी हो, तो उसके लिए कम से कम उस डिपार्टमेंट में 14 जगह होनी चाहिए. तब जाके 14 जगह होगी तो 7वें नंबर पे जो है एक SC कैंडिडेट्स आ पाएगा और 14वें नंबर पे जाके ST कैंडिडेट्स आ पाएगा. इन द रोस्टर सिस्टम इट नीड्स 14 पोस्ट, कम से कम 14 पद होने चाहिए टू अकोमोडेट. ये अकोमोडेट जो है ना 2012 की SSC CGL के अंतर्गत जो स्पेलिंग मिस्टेक्स आती है ना उसमें आया हुआ है. और मैं अब भी कहता हूँ आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है अकोमोडेट, ध्यान रखना. इसमें 2 बार C आता है और 2 बार MM आता है, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है ये, तो इसको ध्यान देना, लिख के देख लेना 2-3 बार,
अक्सर एग्जाम्स में आता रहता है, मिस स्पेलिंग मिस्टेक्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अकोमोडेट इन अदर्स इन द रोस्टर सिस्टम, रोस्टर सिस्टम को अगर देखें तो उसमें कम से कम 14 पद जो है होने चाहिए कि अकोमोडेट कर सके। अकोमोडेट मतलब क्या होता है, जगह देना किसी चीज़ को, कि अगर आपको चाहिए एससी और एसटी कैंडिडेट्स को आप अगर जगह देना चाहते हो हर डिपार्टमेंट में, तो उस डिपार्टमेंट में कम से कम 14 पद होने चाहिए। एज देयर टर्न वुड कम, तब जाके उनकी बारी आएगी। टर्न मतलब उनका नंबर आएगा, ओनली एट द 7th, 7वें नंबर पर आएगा एससी का और 14वें नंबर पर जाके आएगा एसटी कैंडिडेट्स का, जितनी भी वैकेंसी होगी उन वैकेंसी में। ये इसका एक माइनस पॉइंट दिखाई दे रहा था हमें। देयर मे बी नो वैकेंसी इन मैनी डिपार्टमेंट्स फॉर मैनी ईयर्स। और अब ये भी हो सकता है कि कोई पद ही खाली ना हो कई डिपार्टमेंट्स में, और वो भी कई सालों तक। देयर मे बी नो वैकेंसी इन मैनी डिपार्टमेंट्स फॉर मैनी ईयर्स विथ नन फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी फॉर डिकेट्स। और ये जो हमने रिजर्व कैटेगरी बना रखी, इसके लिए हो सकता है कई दशकों तक पद खाली ना हो। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखें, ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है अगर दूसरा पहलू हम विचार करें, दूसरी ओर अगर हम देखें, ऑन द अदर हैंड टेकिंग द इंस्टीट्यूशन एज द यूनिट, अगर हम इंस्टीट्यूशन को या यूनिवर्सिटी को एक यूनिट ले लेते हैं, वुड गिव मोर अपॉर्चुनिटीज, इससे तो क्या होगा, अधिक अवसर प्राप्त होंगे फॉर दीज सेक्शन, ये जो हमारे वंचित तबके हैं इनको अधिक अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंस्टीट्यूशन या पूरी यूनिवर्सिटी को रिजर्वेशन का आधार बनाओगे, तो जो आपने रिजर्वेशन निर्धारित कर रखा है कि भाई 27% OBC होने चाहिए, इतने प्रतिशत SC होने चाहिए, इतने प्रतिशत ST होने चाहिए, तो उनको कम से कम प्रतिनिधित्व मिल ही जाएगा, इस बात की 100% गारंटी है। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट को आधार बनाते हो तो इनको जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसकी पूरी गारंटी हम नहीं दे सकते। तो ऑन द अदर हैंड यही कहना चाहता है, अगर हम दूसरी ओर से अगर हम देखें, दूसरे पक्ष पर अगर हम विचार करें, टेकिंग द इंस्टीट्यूशन एज द यूनिट, अगर हम संस्था को एक यूनिट मान लें, वुड गिव मोर अपॉर्चुनिटीज़, तो इससे जो है अधिक अवसर जो है प्राप्त होंगे, इससे अधिक अवसर मिलेंगे फॉर दीज सेक्शंस, ये जो वंचित तबका है इनको अधिक अवसर प्राप्त होंगे। अकॉर्डिंग टू द UGC's एनुअल रिपोर्ट, UGC की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसके अनुसार, 2017-18 की जो वार्षिक रिपोर्ट है इसके अनुसार, नियरली 2/3 ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरीज। अब ये देखने वाली बात है कि जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, उनमें 2/3 जो है वो कहाँ से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो सरकार को ऐसा लगा, केंद्र सरकार को ऐसा लगा कि ये जो हो रहा है, ये शायद डिपार्टमेंट वाइज जो हम रिजर्वेशन हमने आधार कर रखा है, रिजर्वेशन देने का आधार जो हमने डिपार्टमेंट वाइज बना रखा है, इसके कारण शायद हो रहा है। तो इसको देखा, और ये रिपोर्ट भी बताती है हमारी, आगे देखते हैं। Their representation would go up further. ये जो हमारा वंचित तबका है, their representation, उनका जो प्रतिनिधित्व है ये ऊपर उठेगा, would go up further, ये ऊपर जाएगा, would go up further. As the present bill also applies the 10% quota for the economically weak. ये जो नया बिल है इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है, इसकी एक विशेषता ये भी है कि इसके तहत 10% कोटा और जोड़ा गया है उन लोगों के लिए जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, अमंग दोज आउटसाइड द रिजर्वेशन लूप, कि जिनके लिए रिजर्वेशन निर्धारित कर रखा है वो तो है ही है भाई, OBC के लिए, SC ST के लिए, इनके लिए तो रिजर्वेशन निर्धारित कर ही लगा है। अब जो लोग रिजर्वेशन कैटेगरी में भी नहीं आते हैं लेकिन आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो द रिप्रेजेंटेशन, जो प्रतिनिधित्व है, वुड गो अप फर्दर, ये और ऊंचा जाएगा, मतलब रिप्रेजेंटेशन वुड गो अप फर्दर, फर्दर का मतलब है इसमें और ज़्यादा जुड़ जाएगा, और ज़्यादा ऐड हो जाएगा, प्रतिनिधित्व जो है और ज़्यादा ऐड हो जाएगा। एज द प्रेजेंट बिल, ये जो वर्तमान का जो बिल है, आल्सो अप्लाइज, इसके अंतर्गत और क्या अप्लाई किया गया, और क्या चीज़ लागू की गई है, द 10% कोटा फॉर द इकोनॉमिकली वीक, 10% कोटा का और प्रावधान किया गया है उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से वीक हैं, अमंग दोज आउटसाइड द रिजर्वेशन लूप। लूप का मतलब होता है एक घेरा, जो कि ऐसे लोग जो कि आर्थिक रूप से गरीब हैं और रिजर्वेशन के घेरे के बाहर पड़ते हैं, अमंग दोज आउटसाइड द रिजर्वेशन लूप, तो उन लोगों के लिए भी 10% कोटा का प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं, अप्लाइंग द कोर्ट्स डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर नॉर्म वुड हैव डीपन्ड द सेंस ऑफ डिप्राइवेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस एंड SC ST कम्युनिटीज। अब देखते हैं क्या कहना चाहता है इसका, अप्लाइंग द कोर्ट्स डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर, यदि हम कोर्ट का फैसला ही माने, कोर्ट की मान के चलें और डिपार्टमेंट वाइज ही अगर हम आरक्षण देते हैं, अप्लाइंग द डिपार्टमेंट्स कोर्ट्स डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर नॉर्म,
कोर्ट के डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर नॉर्म को लागू किए जाने पर, अप्लाइंग द कोर्ट्स डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर नॉर्म वुड हैव डिपेंड, तो इसका क्या परिणाम हुआ होता, वुड हैव का मतलब होता है हुआ होता, वुड हैव का क्या मतलब होता है हुआ होता, वुड हैव डिपेंड, इसके द्वारा और गहराई बढ़ जाती, किस चीज़ की गहराई बढ़ जाती, डीपन द सेंस ऑफ डिप्राइवेशन, ये जो वंचित हो रहे हैं ना हमारे वंचित तबके जो हैं, डिप्राइवेशन का मतलब क्या होता है, वंचित रह जाना, डिप्राइवेशन का मतलब होता है वंचित रह जाना, ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस एंड SC ST कम्युनिटीज, तो ये जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं और SC ST समुदाय जो हैं, इनका जो वंचित रहने का जो क्रम है, इनकी वंचित होने की गहराई जो है बढ़ती चली जाती अगर हम कोर्ट का डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर को जो है अप्लाई किए जाते, अप्लाइंग द कोर्ट्स डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर नॉर्म वुड हैव डीपन्ड, इसने क्या किया होता, और गहरा कर दिया होता, ये जो वंचित तो पहले से ही चल रहे हैं, इस वंचित पने को और ज़्यादा गहरा कर दिया होता, वुड हैव कर दिया होता, डीपन्ड गहरा कर दिया होता, द सेंस ऑफ डिप्राइवेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस एंड SC ST कम्युनिटीज टू दैट एक्सटेंट, इस लिहाज से अगर हम देखें, एक्सटेंट का मतलब होता है सीमा, इस सीमा तक, टू दैट एक्सटेंट, इस सीमा के लिहाज से अगर हम देखें या इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें, द इनेक्टमेंट विल सर्व अ वाइटल सोशल पर्पस, इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये जो हमने नया विधान बनाया है, इनेक्टमेंट का मतलब होता है बनाना, निर्माण करना या फिर गढ़ना, इस लिहाज से हमें देखें तो ये जो नया विधान हमने बनाया है विल सर्व अ वाइटल सोशल पर्पस, तो ये जो हमारा नया विधान है, ये जो नया हमारा कानून है, ये सेवा करेगा, विल सर्व, ये एक तरीके से किस काम आएगा हमारे, सर्व का मतलब होता है सेवा करना, काम आना, विल सर्व, तो ये जो नया कानून जो है ये काम आएगा, किस तहत में काम आएगा, क्या सेवा करेगा ये, अ वाइटल सोशल पर्पस, वाइटल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मुख्य, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, सोशल पर्पस, सामाजिक उद्देश्य, तो हमारा महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य क्या है, हमारा महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य, हमारा महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य है सामाजिक न्याय, टू दैट एक्सटेंट, तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये जो नया कानून है ये अधिक से अधिक सामाजिक न्याय को प्राप्त करने में, अधिक से अधिक हमारा जो सोशल पर्पस है उसे प्राप्त करने में जो है हमारी मदद करेगा, तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, कल फिर मिलते हैं।